हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स हैं। आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे कि पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो जो भी ऑपरेटर्स हैं, इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन आज का जो विषय है वो खास तौर पे अर्थमेटिक ऑपरेटर को लेकर के है और जो पाइथन के बेसिक डेटा टाइप है। यहाँ पे देखिए, मैं लिख भी रहा हूँ, बेसिक डेटा टाइप ऑफ पाइथन, बेसिक डेटा टाइप ऑफ पाइथन। तो ये जो बेसिक डेटा टाइप हैं, इनको हम लोग जानेंगे और ये पूरा बेसिक डेटा टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। कई क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो तो बेसिक डेटा टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। तो बेसिक डेटा टाइप में क्या होगा, एक तो होगा नंबर वाला, जिसको हम न्यूमेरिक कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो ये हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप। और न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या क्या आएगा, देखिए, न्यूमेरिक डेटा टाइप में पहला जो आता है वो आता है इंट, स्मॉल में लिखा जाता है, इसको इंटीजर कहते हैं। दूसरा आता है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट होता है, ठीक है। और तीसरा आता है स्ट्रिंग, एक और आता है कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप आएंगे, ठीक है। और इन सारे डेटा टाइप के बाद जो डेटा टाइप आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स भी आता है, तो फिलहाल उसको छोड़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो एडवांस डेटा टाइप आता है उसमें लिस्ट आता है, टपल आता है, ठीक है। इसके बाद से डिक्शनरी या डिक्ट डेटा टाइप आता है, डिक्ट, ठीक है। टपल के बाद क्या आता है, डिक्शनरी डेटा टाइप। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्शनरी, ठीक है। तो ये डिक्शनरी डेटा टाइप हो गया। और डिक्शनरी के बाद यहाँ पर लास्ट जो डेटा टाइप आता है वो होता है सेट, ठीक है। तो पूरा का पूरा डेटा टाइप यही है। और जितने ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक है, बिटवाइज ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट बचता है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। अब इनमें जो पहला ऑपरेटर है उसको हम देखेंगे और जो बेसिक डेटा टाइप है, यानी कि इतने डेटा टाइप के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो डेटा टाइप है उसका नाम है न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक में जो पहला है इंटीजर, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या चीजें आएंगी, देखिए, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसमें पहला जो ऑपरेटर आएगा वो होता है प्लस, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लस किस काम में आता है, ठीक है। प्लस किस काम में आता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी कहेंगे, बेझिझक कहेंगे कि इसको ऐड करने के काम में लाया जाता है। इसी तरीके से दूसरा होता है माइनस, जिसके बारे में आपको जानकारी है कि ये माइनस करने के काम आता है, सब्ट्रैक्ट करने के काम आता है। इसके बाद आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के काम आता है। इसके बाद आता है डिवाइड, तो डिवाइड जो है डिवाइड करने के काम आता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ये फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, इससे आप अनभिज्ञ होंगे जरूर, ये आपको नहीं आता होगा अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसे में फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो है ये भी डिवाइड करने का ही काम करता है, ठीक है। अब किस तरीके से डिवाइड करेगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डिवीजन के लिए कोई नंबर दिया गया, जैसे मान लीजिए यहां दिया गया 3, ठीक है, और 3 दिया गया और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करते हैं, तो जनरली ऐसे करके डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करने का तरीका है, जनरली जो डिवाइड करते हैं हम, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 टाइम जो इसको डिवाइड किया गया 1 टाइम में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट में नहीं जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2 होता तो यहाँ पे 2 हो जाता ऐसे, ठीक है, और 2 होने के बाद इसको ऐसे डिवाइड कर लिया जाता इस तरीके से, और 2 से डिवाइड करते तो क्या होता, ये 1 टाइम में डिवाइड हो जाता तो आंसर 1 आ जाता आपका, ठीक है। यानी 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा, अगर फ्लोर डिवीजन का यूज कर रहे हैं तो, और अगर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। तो ये जो है फ्लोर डिवीजन की खासियत है, और यही कार्य जो है फ्लोर डिवीजन करता है, ये बात याद रखिएगा, ये फ्लोर डिवीजन है, ठीक है, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो तो मैंने आपको बता दिया। एक और ऑपरेटर है, एक या दो ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक में जिनकी जानकारी आपको नहीं है, चलिए उसके भी बारे में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक जो ऑपरेटर है वो तो आपने जान ही लिया है, अगला जो ऑपरेटर है उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको कि वो कौन सा ऑपरेटर है। मैं यहां पे लिख देता हूं, टाइप कर देता हूं, वो जो ऑपरेटर है वो है आपका एक्सपोनेंट। ये दो बार जो है मल्टीप्लाई लग जाता है तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट कार्य कैसे करता है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 हो जाए, ठीक है, पावर 3 होने का मतलब कि यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई लग गया और ये 3 हो गया, ऐसा ही आपको पाइथन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 2 पे पावर 3, तो
तो 2 पे पावर 3 करते हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम होता है, किस तरीके से होता है वो समझिए, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये आंसर इसका 8 आएगा। तो ये होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अगर मान लीजिए इसकी जगह 4 होता तब क्या होता, तब क्या होता, तो फिर देखिए ऐसे हो जाता 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाता। तो ये मतलब होता है ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। अब लास्ट जो बच जाता है वो हमारे पास बचता है क्या, वो बचता है हमारा ये जो ऑपरेटर है जिसको आप परसेंटेज के नाम से शायद कैलकुलेट करते होंगे, सोचते होंगे कि ये परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। जब भी आप डिवाइड करने जाते हैं किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, तो ये 2 टाइम में गया और यहाँ हो जाएगा 4, और 4 होने के बाद यहाँ जो रिमाइंडर बच जाएगा यही जो है फ्लो, ये जो ऑपरेटर है जिसको कि हम रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, ये बताता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका एक एक एग्जांपल हम पाइथन के अंदर देखने जा रहे हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो जल्दी से पाइथन को ओपन कर लेता हूं, यहां से पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएलई को ही ओपन कर लेता हूं, इसी पर हम काम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसे ओपन कर लिया है, अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि हम ऐड करते हैं, तो ऐड के लिए हम प्लस लगाते हैं, तो 3 + 2 5 आ ही जाएगा, ठीक है, 4 - 5 तो यहाँ -1 आ ही जाएगा, ये तो जानते ही, ये तो आसान है, 9 × 6 तो यहाँ 54 आ जाएगा, ये तो सब आसान है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई होगी, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर तुरंत पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये डिवीजन ऑपरेटर है और ये पॉइंट में आंसर लेके आता है, ठीक है। लेकिन यही बात करें फ्लोर डिवीजन की तो ये पॉइंट में आंसर नहीं देगा, ये 1 दे देगा, देखिए यहाँ पे 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जो रिमाइंडर बच जाएगा जितनी बार में डिवाइड किया जाएगा वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद वाले ऑपरेटर की, यानी 5 को मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं। तो अभी बहुत बच्चों को ये लगेगा कि ये 5 5 5 जा कितना होता है, तो ये 5 का 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा कितना होता है 25, और 25 5 जा कितना होता है 125। तो अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ 125 मिलेगा आपको आंसर, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज, तो 3 modulo 2 किया हमने, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 ही भाई, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि जो है 3 आ जाए, तो एक बार पढ़ेंगे, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो यहाँ 1 ही आएगा, तो जो बचेगा वही आंसर में आएगा आपका, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में अगला जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो नेक्स्ट डे आएगा, तब तक के लिए वॉच करिए हमारी वीडियोस को।